गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, इस साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा खजूर के बारे में, दैट इज डेट्स, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो खजूर आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी आपको बेनिफिशियल है, केमिकली आपको क्या हेल्प करती है, बायोलॉजिकली आपकी जो बॉडी है उसको कितना इंप्रूव करती है, इसको आज हम साइंटिफिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। जो खजूर है या डेट्स हैं, इनके वास्तव में आप साइंटिफिक एनालिसिस को देखिए। जो डेट्स होती हैं, ये स्वाद में मीठी होती हैं। ये बेसिकली उस तरह का फ्रूट है जो पाम ट्री से जनरेट होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ये स्टेपल फूड रहा फॉर थाउजेंड ऑफ इयर्स। जहां तक हम डेट्स को अगर ध्यान से देखें, इनमें फैट की मात्रा ना के बराबर होती है, इनमें प्रोटीन्स की मात्रा भी बहुत कम होती है, ये जो शुगर है इनमें भरी हुई होती है, और जो शुगर होती है वो फ्रक्टोज होती है एंड ग्लूकोज होती है। तो फ्रक्टोज भी है एंड ग्लूकोज भी है, ये हाई सोर्स ऑफ एनर्जी माने जाते हैं बिकॉज इनमें कार्बोहाइड्रेट ही भरे हुए होते हैं। लेकिन अकेले कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भरे हुए होते हैं, चाहे हम विटामिंस की बात करें, चाहे मिनरल्स की बात करें, चाहे हम दूसरी चीजों की बात करें। इन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो तीन चीज समझने की हैं। नंबर वन, ये ग्लूटेन फ्री है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को जो ग्लूटेन इंटॉलरेंस है या सीलिएक डिजीज जैसी चीज है, तो उसके लिए जो डेट्स हैं देयर अ बून, वो यूटिलाइज की जा सकती हैं। ये बिल्कुल फैट फ्री है, ये बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल फ्री है। तो अगर आप डेट्स खाते हैं तो ना तो आपको फैट मिलता है, इन कोलेस्ट्रॉल तो आपको मिलता है नहीं। नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो जो डेट्स हैं उनमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। एक इनमें कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं फिनोलिक्स। जो फिनोलिक्स है इसको एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट माना जाता है। तो अगर आपको लो ग्रेड इंफेक्शंस हैं, लाइक वायरल इंफेक्शंस हैं या फॉर दैट मैटर इवन बैक्टीरियल इंफेक्शंस हैं, तो ये जो कंपाउंड है ये आपको हेल्प करते हैं। जो डेट्स हैं इनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये आपको फ्री रेडिकल के डैमेज से बचाते हैं। आज हम एक-एक करके इनको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। नंबर वन, जो डेट्स हैं ये एनर्जी क्या पावर हाउस माने जाते हैं। इनको माना जाता है कि इनमें जो एनर्जी है या न्यूट्रिशन है वो ठूस ठूस के भरा हुआ है। इनमें विटामिन बी होता है, इनमें विटामिन के होता है, इनमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, जिंक और मैग्नीज भी है। तो अगर हम देखें तो इतने सारे विटामिंस, आयरन और इतने सारे मिनरल्स भरे हुए होते हैं जो आपकी हेल्थ को बहुत बेनिफिट देते हैं। इनमें सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज नहीं है जैसे अल्कोहल में होती है कि सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज हैं, इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट हैं जो आपकी बॉडी को बहुत हेल्प करते हैं। द सेकंड वन इज, जो डेट्स होती हैं ये एंटीऑक्सीडेंट में बहुत हाई होती हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट जैसे मैंने अभी बात की, उनमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं एंड फेनोलिक्स होते हैं। दीज आर टू एंटीऑक्सीडेंट्स जो खजूर में या डेट्स में होते हैं। ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये आपको वास्तव में जो फ्री रेडिकल्स हैं इनसे लड़ने में मदद करते हैं। एक्चुअली ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं हमारी बॉडी में, और ये जो फ्री रेडिकल्स हैं हमारी बॉडी को बहुत सारा नुकसान कर सकते हैं, और ये हार्मफुल रिएक्शन करके आपको डिजीज प्रोसेस जनरेट कराने की ताकत रखते हैं। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स खजूर में या डेट्स में होते हैं, कैरोटीनॉइड्स एंड फेनोलिक्स, ये आपको हेल्प करते हैं। नंबर तीन, जहां तक डाइजेस्टिव फाइबर का सवाल है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं खजूर में। अगर हम ध्यान से देखें कि अगर आप तीन खजूर खाते हैं या तीन डेट्स खाते हैं, उनमें अप्रोक्सीमेटली आपको दिन भर का जितना फाइबर चाहिए उसका 18% फाइबर आपको मिल जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा फाइबर है डेट्स में। तो तीन डेट्स आपने खाई तो 18% ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द फाइबर आपका कंप्लीट हो गया। जो डाइजेशन है इसको अगर ये हेल्प करेगा तो वास्तव में जो कॉन्स्टिपेशन है उसको प्रिवेंट करेगा, आपके जो बावल मूवमेंट्स हैं उनको रेगुलेट करेगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जनरेट होती हैं वो आपको नहीं डेवलप होने पाएंगी अगर आप डेट्स यूज करते हैं। तो नंबर चार, जो बोन हेल्थ है उसको ध्यान से देखिए। जब आप डेट्स या खजूर यूज करते हैं तो जो बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, पर्टिकुलरली ऑस्टियोपोरोसिस, इससे आपको छुटकारा मिलता है। छुटकारा क्यों मिलता है? क्योंकि जो डेट्स होती हैं उनमें अच्छे अमाउंट में फास्फोरस होता है, अच्छी अमाउंट में पोटेशियम होता है,
अच्छी अमाउंट में कैल्शियम होता है और अच्छी अमाउंट में मैग्नीशियम होता है। ये चारों चीजें हैं आपकी बोन को चाहिए इसकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए, इन ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने के लिए। नंबर 5 इज द लेवल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। जैसा मैंने पहले कहा कि जो डेट्स होती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल होता नहीं है, दे आर एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल फ्री। जो डेट्स हैं इनमें पोटेशियम काफी मात्रा में होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर पोटेशियम ज्यादा मात्रा में है तो आपको हार्ट डिजीज का रिस्क और स्ट्रोक का रिस्क, या जो ब्रेन में जो स्ट्रोक आता है उसका रिस्क, ये दोनों रिस्क बहुत नीचे की तरफ आते हैं, क्योंकि जो डेट्स हैं वो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसको नीचे करने की ताकत रखती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जो डेट्स अगर आप यूटिलाइज करते हैं तो जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी अमाउंट भी धीरे धीरे रिड्यूस होती है। तो इसलिए आपको अपनी जो डाइट है उसमें डेट्स या खजूर है उसको जरूर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। देयर आर सर्टेन रिपोर्ट्स जो ये कहती हैं कि अगर आप डेट्स या खजूर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी स्किन हेल्थ और आपकी हेयर की हेल्थ दोनों को हेल्प करती हैं। ये कैसे हेल्प करती हैं? अगर आप डेट्स यूज करते हैं तो आपकी स्किन है इसकी इलास्टिसिटी बढ़ती है। इलास्टिसिटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि इसमें विटामिन सी एंड विटामिन डी अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा जो खजूर है ये कोलेजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की ताकत रखती है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो खजूर होती है या डेट्स होती हैं इसमें एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में होते हैं। इन पर्टिकुलर टेनिन्स होते हैं इनमें। ये जो टेनिन्स होते हैं ये स्किन की जो सेल की जो हेल्थ है उसको इंप्रूव करके चलते हैं, सेल डैमेज को बचा के चलते हैं, जो ऑक्सीडेशन है उसको रिड्यूस करते हैं या बचा के चलते हैं, इन ओवरऑल इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। तो चूंकि इसमें टेनिन्स हैं इन दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं तो ये आपकी स्किन की हेल्थ और हेयर की हेल्थ दोनों को हेल्प करने की ताकत रखते हैं। नो लुक एट द एनीमिया, ये कुछ उस तरह का एंगल है जो मैं चाहता हूं कि आप जरूर ध्यान से देखें। जो खजूर है या डेट्स हैं दे आर एम्पल सोर्स ऑफ आयरन, और अगर एम्पल सोर्स ऑफ आयरन है तो अगर आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जो डेट्स आप अगर खाते हैं तो ये आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है, जो आपकी इंटेस्टाइन आयरन को एब्जॉर्ब करती है, इसको वास्तव में हेल्प करती है। तो हेल्प करेगी तो आपकी बॉडी के अंदर आयरन का लेवल ऊपर जाएगा। अगर आयरन का लेवल ऊपर जाएगा तो आयरन डिफिशियंसी जो एनीमिया है वो आपका इंप्रूव होगा, और अगर आयरन डिफिशियंसी इंप्रूव होगा तो वास्तव में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने से आपके जो स्कैल्प हैं उसको ऑक्सीजन ठीक मिलेगी, तो एक हेयर ग्रोथ को भी ऐसा माना जाता है कि ये इंप्रूव करने की ताकत रखती है। तो अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो जो डाइट है उसमें आपको डेट्स या खजूर जरूर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। नाउ जहां तक खजूर का सवाल है या डेट्स का सवाल है, देयर आर मल्टीपल वेज जिसमें आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। मार्केट में जितनी भी शुगर फ्री जो स्वीट्स बनते हैं वो 90% उनका बेस खजूर या डेट्स ही होती हैं। देन जो डेट्स हैं उसको एज डेजर्ट आप यूज कर सकते हैं। आप आइसक्रीम छोड़िए, गुलाब जामुन छोड़िए, जलेबी छोड़िए, चॉकलेट छोड़िए, अगर आप डेजर्ट्स यूज करते हैं खजूर एज डेजर्ट, तो आपको बहुत सारे इतने एडवांटेज मिलते हैं जो मैंने अभी इन्यूमरेट किए। इसके अलावा इस स्वाद में बहुत मीठे होते हैं तो आपके जो एक स्वीट टूथ है वो भी वास्तव में सेटिस्फाई होता है। तो डेजर्ट की जगह अगर आप खजूर यूज करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसके अलावा जो खजूर हैं या डेट्स हैं दिन में किसी भी समय यूटिलाइज किए जा सकते हैं। इसलिए साइंटिफिक रिकमेंडेशंस ये हैं कि अगर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स समझ में आते हैं तो आपकी अपनी जो डाइट है उसमें वास्तव में इस न्यूट्रिशियस एंड डेलिशियस फ्रूट को जो अवेलेबल है विद द नेम ऑफ खजूर या डेट उसको जरूर इंक्लूड करना चाहिए। अगर खजूर के एडवांटेजेस, खजूर के बेनिफिट्स, खजूर के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स टू द बॉडी, इसको समझने में ये वीडियो हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर, थैंक यू वेरी मच।